तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनफी और उसके साथी गोंगसुन के सभी सोल्जर्स को बुरी तरीके से मारते हैं। तभी उस जगह पर डिवाइन वॉरियर विला के साउटियान की एंट्री होती है, जो गोंगसुन को पिटता हुआ देखकर उसकी मदद करने के लिए अपने सोल्जर्स को आगे भेजता है। पर युनफी अपने एक ही अटैक में उसके सोल्जर्स को भी घायल कर देता है और अब वह साउटियान से बोलता है, तो क्या अब तुम भी इस जगह पर मुझसे फाइट करना चाहते हो? यह सुनकर साउटियान को काफी गुस्सा आता है और वह युनफी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उस जगह पर डिवाइन वॉरियर विला के एक एल्डर की एंट्री होती है, जो गुस्से में साउटियान से बोलता है, साउटियान मैंने तुम्हें इस जगह पर पिल किंग के ग्रैंडसन गोंगसुन को लाने के लिए भेजा था, तो तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्वीन की हालत इस जगह पर खराब है और अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो वह जिंदा नहीं बचेंगी। साउटियान बोलता है, मैं तो यहाँ पर अपना काम करने के लिए ही आया था, पर इस पर्सन ने मुझे बीच में रोक दिया और अब वह गोंगसुन को लेकर मैंसन की ओर चला जाता है। अब वह एल्डर आगे आता हुआ साउसान से पूछता है कि इस जगह पर क्या हो रहा है। साउसान उसे सब कुछ बताता है। तभी वह एल्डर युनफी से बोलता है, तो तुम्हारा कहना है कि तुम इस जगह पर क्वीन को हील कर सकते हो, तो मुझे अपनी पावर प्रूफ करके दिखाओ। युनफी बोलता है, मैं यह किस तरीके से आपको प्रूफ करके दिखाऊं? एल्डर बोलता है, तुम्हारे पास मेडिकल स्किल है तो यहाँ पर साबित करो कि तुम एक अल्केमिस्ट हो। तभी युनफी इधर उधर देखने लगता है और अब उसकी नजर साउसान पर पड़ती है, जो देखते ही साउसान बोलता है, आखिर तुम मुझे क्यों देख रहे हो? युनफी बोलता है, तुम बहुत बीमार हो। साउसान गुस्से में बोलता है, बकवास मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। युनफी बोलता है, आजकल तुम्हारे लंग्स सूखे रहते हैं और उनमें जलन फील होती है। साउसान बोलता है, आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तभी वह एल्डर बोलता है, साउसान एक स्मिथ है जो अपना पूरा टाइम आग के सामने वेपन बनाते हुए बिताता है, तो उसके लिए यह नॉर्मल बात है। युनफी बोलता है, एल्डर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर मैं यह बोलना चाहता हूँ कि साउसान आजकल अपने लंग्स में वॉल्केनिक इरप्शन महसूस करता है और तो और इसकी बॉडी के अंदर फायर ब्रीदिंग QI मौजूद है, जो धीरे धीरे इसके QI मेटेरियल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। तभी एल्डर साउसान से पूछते हैं, तो साउसान क्या यह पर्सन सच बोल रहा है? साउसान हाँ में जवाब देता है और अब वह युनफी से पूछता है कि आखिर उसे इन सब चीजों के बारे में कैसे पता चला। युनफी बोलता है, तुम्हें देखकर कोई भी यह बता सकता है क्योंकि तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा लाल है और फायर ब्रीदिंग QI के प्रेजेंस को कोई भी अल्केमिस्ट आसानी से पकड़ सकता है। तभी एल्डर बोलता है, हमारे डिवाइन वॉरियर विला के लोग फायर कंट्रोलिंग में एक्सपर्ट होते हैं, तो आखिर हमें फायर ब्रीदिंग से नुकसान कैसे हो सकता है? युनफी बोलता है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर आप लोग बस एक नॉर्मल अमाउंट में फायर को कंट्रोल कर सकते हो, पर साउसान के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में फायर ब्रीदिंग ऑरा मौजूद है जिसे कंट्रोल कर पाना आपके भी बस की बात नहीं। तभी एल्डर बोलता है, साउसान मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हारे पास किस तरह का फायर मौजूद है। साउसान बोलता है, पर मेरे पास तो कोई फायर है ही नहीं। उसी वक्त युनफी साउसान के हाथ में मौजूद हैमर को अपने पास खींच लेता है और अब वह उस हैमर की पावर को अनलीज करता है, जिससे उसके अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में फायर निकलती है और यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब युनफी उस वेपन को रिफाइन करके साउसान को वापस दे देता है। तभी एल्डर बोलता है, यह कोई नॉर्मल वेपन नहीं है, यह तो फायर स्केल ड्रैगन वेपन है। युनफी बोलता है, आपने बिल्कुल सही कहा, यह एक हेवेनली रैंक वेपन है और अभी साउसान की कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है, इसीलिए यह इसकी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता है, और अगर साउसान इसी तरह इस वेपन का यूज करता रहा तो धीरे धीरे उसके सभी मेटेरियल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब यह सुनते ही एल्डर युनफी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि क्या युनफी इस जगह पर साउसान का इलाज कर सकता है। युनफी हाँ में जवाब देता है। यह सुनते ही वह एल्डर युनफी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तभी युनफी बोलता है, तुम सच में बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि आज से 15 दिन बाद तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर हो जाती और तुम अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो पाते, पर समय रहते इस जगह पर तुम्हें मैं मिल गया, तो अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और अब युनफी अपने 9 नीडल्स का यूज करते हुए साउसान का इलाज करने लगता है। वहीं खड़े एल्डर युनफी की टेक्निक देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब वहां पर युनफी काफी आसानी से साउसान के अंदर मौजूद इवल एनर्जी को बाहर निकाल देता है, जो देखकर एल्डर युनफी की तारीफ करने लगते हैं।
तभी यूनफी बोलता है, अभी तक साओसान इस जगह पर ठीक नहीं हुआ है, तो मैं इसके लिए कुछ मेडिसिन दे दूंगा जिससे यह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा, पर तब तक इसे अपने वेपन से दूर रहने की जरूरत है। साओसान बोलता है, वह हैमर सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, मैं आज ही उसे फेंक दूंगा। यूनफी बोलता है, वह एक हेवनली रैंक ट्रेजर है, तुम्हें उसे ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। तो मुझे बताओ आखिर यह वेपन तुम्हें कहाँ से मिला? साओसान बोलता है, आज से 3 महीने पहले साओटियान किसी मार्केट से इस वेपन को खरीद कर लाया था और उसने मुझे यह वेपन गिफ्ट के रूप में दिया, पर मैं इस वेपन की पावर को कंट्रोल ही नहीं कर सकता हूँ। अब यह सुनते ही यूनफी को साओटियान पर शक होने लगता है और वह सोचने लगता है कहीं साओटियान ने यह जानबूझकर तो नहीं किया। तभी एल्डर हंसते हुए बोलते हैं, मास्टर आप सच में एक डिवाइन अल्केमिस्ट हो, आपने देखते के साथ ही साओसान की 2 बीमारियों का पता लगा लिया। मैं अपनी बदतमीजी के लिए आपसे माफी चाहता हूँ, तो आप प्लीज चलकर हमारी क्वीन को भी चेक कीजिए। और अब वह यूनफी से उसका नाम पूछते हैं। तभी यूनफी बोलता है, एक बार मैं क्वीन को ठीक कर दूँ, उसके बाद मैं आप सभी को अपना नाम बताऊंगा। और अब एल्डर यूनफी को अपने साथ लेकर मैंसन की ओर जाने लगते हैं। दूसरी ओर मैंसन में क्वीन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और एक जगह पर मास्टर फैन कई सारे अल्केमिस्ट से बात कर रहे होते हैं। वहीं वह अल्केमिस्ट बोल रहे होते हैं कि क्वीन के अंदर डीमन वुल्फ फ्लावर ऑरा है जिसका इलाज उन सभी लोगों के पास नहीं है और वह डीमन फ्लावर क्वीन के साथ मर्ज हो गया है, तो हम इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मास्टर फैंग बोलते हैं, आप सभी लोग हमारे टियानवु किंगडम के सबसे पावरफुल अल्केमिस्ट हैं और अगर आप ही यह बोलेंगे तो मैं किससे मदद मांगूंगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।